हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे बताइए कि जैसे मैं कोई शॉर्ट चैनल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब मुझे व्यू कैसे आएंगे, क्योंकि शॉर्ट चैनल जब मैं क्रिएट किया मेरे पास 0 सब्सक्राइबर हैं और मुझे अब व्यू लाना है। व्यू का मतलब है 100, 200, 500 भी व्यू आए, लेकिन आए तो सही, क्योंकि जब व्यू आते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए जब आपके व्यू आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कॉन्टेंट सही है या नहीं। क्योंकि शॉर्ट्स में अगर आपका रिटेंशन हाई रहा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कॉन्टेंट इंटरेस्टिंग बना है, कि लोग रुक कर देख रहे हैं उसे ज्यादा टाइम तक, और आपका रिटेंशन अगर लो हो गया तो इससे समझ में आता है कि आपके कंटेंट को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। साथ ही कमेंट करके भी बताते हैं लोग कि हाँ बहुत अच्छा आपने वीडियो बनाया, फिर ये भी बताते हैं कि नहीं आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ भी, मतलब सारा कुछ वो बताते हैं कमेंट में, तो इससे भी आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि मैं स्टार्टिंग में व्यू कैसे लाऊं, मेरे पास 0 सब्सक्राइबर हैं, 2 सब्सक्राइबर हैं, 10 सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे पास व्यू आएंगे कैसे, व्यू आएंगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरा वीडियो अच्छा है या फिर बुरा। तो आज का टॉपिक इसी रिलेटेड है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि अगर आपके स्टार्टिंग में 0 सब्सक्राइबर है या फिर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, 2 है, 4 है, 10 है, और आपको अपना शॉर्ट्स वीडियो आप अपलोड कर दिए तो आपको व्यू आएगा कैसे। और ये बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि सर बताइए मुझे कि कैसे मैं स्टार्टिंग में व्यू लाऊं अपना, और ये बहुत ही जरूरी भी है। मैंने खुद जो मेथड अप्लाई किया था आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, और आप भी वो अगर अप्लाई करेंगे तो आपके स्टार्टिंग में भले ही 0 सब्सक्राइबर है, आपके चैनल पर व्यू आएंगे, चाहे 200, 400, 500, 1000 व्यू आए, इतना तो आराम से आ जाएंगे। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको होगा कि एक आइडिया मिलेगा कि मेरा कंटेंट अच्छा है या नहीं। क्योंकि देखिए 200, 400, 500 व्यू भी अगर आएंगे तो आपको जब रिटेंशन होगा जो ऑडियंस का, वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो इंटरेस्टिंग बनाया है या नहीं बनाया है, और जो भी कमेंट्स आएंगे उससे भी पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में तो आपको व्यू चाहिए ही, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें आज आपको सारा एक एक प्रोसेस बताऊंगा, और मैं ये दावा करता हूं कि यूट्यूब पर आज तक आपको ये कोई भी नहीं बताया होगा, और अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपके व्यू 200, 400, 500, 1000 व्यू स्टार्टिंग में आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको अपना वीडियो का कैसा क्वालिटी है, कैसा मैं वीडियो बना रहा हूं, सारा कुछ समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बता देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको अपना शॉर्ट्स वीडियो बनाने के बाद, यानी शॉर्ट्स चैनल आप बना लिए, 0 आपके सब्सक्राइबर हैं, 2 है, 4 है, तो आप अपना जो भी शॉर्ट्स वीडियो आप बनाएंगे उसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं शेयर करना है। वजह अब जान लीजिए, आपके पास 2 सब्सक्राइबर हैं या फिर 0 सब्सक्राइबर हैं, आप अपने फ्रेंड्स के पास भेजें तो स्टार्टिंग में मान चलिए आप भेजेंगे तो हो सकता है कि वो एक मिनट का वीडियो पूरा देख ले, कि लाइए देखते हैं कैसा वीडियो बना है, कैसा मेरा फ्रेंड्स ने कैसे वीडियो बनाया है, कैसे क्रिएट किया है। लेकिन जब 2-4 वीडियो बनाने के बाद आप उसके पास भेजेंगे तो वो बोर हो जाएगा, वो थोड़ा सा देखा हटा दिया, तो आपका स्टार्टिंग में ही ऑडियंस रिटेंशन लो हो गया। जब स्टार्टिंग में ऑडियंस रिटेंशन लो हो गया तो यूट्यूब आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में आगे भेजेगा ही नहीं, और जब भेजेगा ही नहीं तो व्यू कहां से आएंगे। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के पास आपको वीडियो को कभी भी नहीं शेयर करना है, और ये गलती आपको नहीं करना है, ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, तो ये आपको मेन बात हमेशा ध्यान में रखनी है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप गलती करते हैं जिस वजह से आपका शॉर्ट्स चैनल ग्रो नहीं होता है, आपके शॉर्ट्स वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं, वो सारी गलतियों के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जिस वजह से आपका शॉर्ट्स चैनल ग्रो नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। तो आप पहले आज के वीडियो का बात कर लेते हैं कि कैसे आपके अगर 0 सब्सक्राइबर हैं, 2-4 सब्सक्राइबर हैं, तो कैसे आपको स्टार्टिंग में व्यू लेकर आना है, तो चलिए उसको हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए बेल आइकॉन प्रेस करके, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे जिससे आप अपने शॉर्ट्स चैनल को तेजी के साथ ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि सामने बैठा हुआ बंदा एक शॉर्ट्स क्रिएटर है, 9 महीने में मैंने 3 चैनल को एक पर 1 मिलियन प्लस, और 3 और जो 2 चैनल और हैं उस पर लाखों सब्सक्राइबर। अब आपको यह विश्वास हो गया होगा कि सामने बैठा हुआ यह बंदा जो बताएगा आपको सही बताएगा, जिससे आप अपने शॉर्ट्स चैनल को तेजी के साथ ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको व्यू कैसे लाना है, तो उसके लिए आप तरीका सुनिए। जैसा कि आप कोई शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए, आपने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपके 0 सब्सक्राइबर है, मैं 0 मान लेता हूं, आपके 0 सब्सक्राइबर है, आपने वीडियो अपलोड कर दिया, पूरा फाइनल अपलोड हो गया आपका वीडियो, अब क्या करना है देखिएगा।
आपको अब वीडियो कहीं भी शेयर नहीं करना है, और जिस चैनल से आपने वीडियो अपलोड कर दिया है उस चैनल से हटकर जो भी और आपके YouTube चैनल है, दो तीन अगर हैं, नहीं है तो बना लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है, या फिर नहीं बनाना है तो आपके फ्रेंड्स नहीं, आपके जो घर में फैमिली मेंबर होंगे अगर वो YouTube चला रहे हैं तो उनका आप मोबाइल लीजिए, या फिर अपने ही मोबाइल में अगर दूसरा चैनल है जिससे आपने अपलोड किया है उससे हटकर दूसरा चैनल है उस पर आप लॉग इन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपने वीडियो अपलोड किया है उसका टाइटल जाकर पूरा कॉपी कर लीजिए। मैं पूरा का पूरा जो बोल रहा हूं ये सामने आप बगल में आपको स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन न रहे कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग नए क्रिएटर होंगे जिसको बताने से उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको बगल में दिखा भी रहा हूं। तो आपको सीधा क्या करना है, जो भी आपने वीडियो अपलोड करना है उसको जाकर अपने YT स्टूडियो या फिर कहीं से भी उसके जो पूरा टाइटल है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब आप टाइटल कॉपी करके जो नया चैनल लॉगिन किए हैं जिससे, उस पर आपको YouTube ऐप खोल के सर्च बार में जाकर वो टाइटल पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना है, सिंपल। और अगर आपका नया चैनल है तो तुरंत सर्च में नहीं आएगा, एक दो घंटे वेट कर लीजिएगा इसके लिए। तो जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपका वीडियो जहां भी दिखेगा, एक दो तीन चार पांच, मतलब जिस नंबर पर आपको वीडियो अपना दिखेगा उस वीडियो को ओपन करिए और पूरा वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो है, एक मिनट के अंदर ही होता है, पूरा वीडियो आप वॉच कीजिए। और कितनी बार ये करना है, 10 बार करना है मिनिमम, आप 10 बार ऐसे अपना फुल वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक। अब 10 बार पूरा फुल वीडियो वॉच करने के बाद आप अब दूसरे चैनल से लॉग इन हो जाइए और फिर उसके साथ भी ऐसा सेम प्रोसेस कीजिए, वीडियो के टाइटल को पेस्ट कीजिए और सर्च कीजिए, फिर वो वीडियो पूरा पूरा 10 बार देखिए। ऐसा आप दो तीन चैनल अगर आपके पास हैं, तीन चैनल बहुत हैं, तीन चैनल से ज्यादा नहीं, तीन चैनल पर 10-10 बार, ज्यादा नहीं, 10-10-10 बार, बस इतना ही, तीन बार आपको फुल वॉच करके छोड़ देना है और लाइक वगैरह कर देना है और कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और तीनों चैनल से आप कमेंट भी कर दीजिएगा, हाँ नाइस वीडियो, कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसा करके आपको अपना शॉर्ट्स वीडियो छोड़ देना है। अब इससे होगा क्या देखिएगा, और सबसे पहले बात यह कि आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर मैं अपना डायरेक्ट चैनल का नाम सर्च करूं फिर वीडियो पर जाकर वीडियो देख लूं, ये सबसे बेस्ट है। नहीं भैया, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, यही आपको नहीं करना है। अगर आप चैनल का नाम सर्च करेंगे, आपने नया चैनल क्रिएट किया, चैनल का नाम सर्च किया और वीडियो देखा, तो यूट्यूब कोई पागल नहीं है, यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, जो उसका मशीन वर्क करता है, वो इतना फास्ट है जितना आप सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हैं आप ना। तो अगर आप चैनल सर्च करेंगे तो YouTube को पता है भाई ये जीरो सब्सक्राइबर है, कौन इसका चैनल सर्च करेगा, और चैनल सर्च करके इसके वीडियो में जाकर 10-10 बार कौन वीडियो देखेगा, तो वो आपकी सिस्टम पकड़ लेगा कि ये खुद से वीडियो वॉच कर रहा है, तो वहां ये नहीं होगा। कभी भी आपको अपना जो भी चैनल है वो सर्च करके वहां पर आपको अपना वीडियो नहीं देखना है, ठीक। इसलिए आपको टाइटल कॉपी करके पेस्ट करके सर्च करना है, जिससे यूट्यूब ये ना जान पाए, टाइटल तो भाई कोई कुछ भी लिखकर सर्च कर सकता है, और वो सर्च किया बहुत सारे रिजल्ट आए, आपको अपने वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को 10 बार देखना है और ऐसे 10 बार सर्च करके 10 बार ऐसे ऐसे करना है, ठीक। तो ऐसा आप तीन चैनल से करिएगा। अब इससे करने से होगा क्या, करने से यह होगा कि YouTube को लगेगा कि कोई इस टाइटल से वीडियो सर्च किया, आपका वीडियो बहुत अच्छा था, पूरा वॉच किया और उसको बहुत ज्यादा पसंद आया तो बार बार वॉच किया, और आपका रिटेंशन भी हाई हो जाएगा इससे, मतलब बार पूरा फुल वॉच करेंगे तो 100% मतलब 90-95 ऐसे हो जाएगा रिटेंशन। तो इससे अब क्या होगा देखिएगा, यूट्यूब आपका स्टार्टिंग में शॉर्ट्स फीड में वीडियो उठाकर भेज देगा स्टार्टिंग में, और ये नहीं है कि आज पहली वीडियो डाले आपका ऐसा ही हो जाएगा, दो तीन वीडियो जैसे मैंने बताया है, दो तीन वीडियो पर ट्राई कीजिएगा, इसके बाद ये सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने बताया है। फिर आपका वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स फीड में भेजेगा, और अगर आपका वीडियो दमदार रहा, तगड़ा रहा, तो भैया आपका वीडियो फिर जैसे 500 लोगों के पास भेजा, 500 लोग उसे 90% अटेंशन के साथ देख लिए, लाइक भी कर दिए, तो फिर उठाकर 5000 लोगों के पास भेजेगा, वहां भी अगर 90% अटेंशन रहा, लाइक वगैरह अच्छा रहा, तो इसके बाद और लोगों के पास भेजेगा। अगर आपका वीडियो नहीं अच्छा रहा, उतना क्वालिटी नहीं अच्छा रहा, 50-60% अटेंशन भी रहा, तब पर भी आपका आपके वीडियो पर स्टार्टिंग 100-200-400 व्यू तो आ जाएंगे, आपको पता तो चलेगा कि हाँ मेरा रिटेंशन कैसा है, मैंने वीडियो सही बनाया है नहीं बनाया है, क्योंकि रिटेंशन अगर लो रहेगा तो आपको लगेगा कि मैंने वीडियो उतना अच्छा नहीं क्रिएट किया है। और एक बात कि वीडियो क्रिएट कैसे करना है, कैसे सस्पेंस के साथ आपको स्क्रिप्ट लिखना है जिससे आपके वीडियो पर जो रिटेंशन है वो हाई रहे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि जिससे आपको वेट रहे उस वीडियो का, और मैं वो वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो की पहले बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से यह होता है कि आपके वीडियो का रिटेंशन हाई रहा तो भी आपके अच्छे खासे व्यू आएंगे, तब तो आपका वीडियो वायरल ही चला जाएगा, और अगर आपका रिटेंशन लो रहा, मान के चलिए स्टार्टिंग में किसी का वीडियो उतना अच्छा नहीं होता है, मैं पर्सनली बताऊं, मेरा वीडियो जो मैंने सिस्टम आपको बताया वो मैंने भी किया, तो मेरे वीडियो पर 800-900 व्यू आ गए थे,
तो देखिए 800-900 व्यू बहुत ज्यादा है। आपको देखिए क्या होगा, 800-900 व्यू आने के बाद 2-4-6 सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, तो कुछ सब्सक्राइबर तो मिलेंगे, आपको वीडियो के बारे में पता तो चलेगा कि मेरा वीडियो कैसे है, रिटेंशन कम है, ज्यादा है, क्या है, ये सब चीजें तो पता चलेंगी, क्योंकि पहले प्रोडक्ट जब ग्राहक के पास आएगा तभी तो बताएंगे कि अच्छा है या बुरा। तो इसलिए स्टार्टिंग में 200-400 व्यू आना तो जरूरी है, और 200-400 व्यू कैसे आएगा उसके लिए मैंने तरीका बता दिया है। और एक मेन बात जो मैं बहुत ही जरूरी बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने तरीका आपको बताया है ये केवल आपको तभी तक करना है जब तक आपके 100 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं। जिस दिन आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपको यह तरीका बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपका वीडियो जो भी अपलोड करेंगे 10-20-25 लोग देखेंगे, तो इससे आपका शॉर्ट्स फीड में खुद ब खुद चला जाएगा। तो अब आपको यह दिमाग नहीं लगाना है, केवल 100 सब्सक्राइबर जब तक आपके चैनल पर कंप्लीट नहीं हो तभी तक वो काम करना है जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि स्टार्टिंग में व्यू नहीं आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरे व्यू नहीं आ रहे हैं, कैसे काम करूं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए जो तरीका सही है मैं आपको बता रहा हूं, और आपको केवल 100 सब्सक्राइबर तक ये करना है। इसके अलावा जब 100 सब्सक्राइबर हो जाए तो ये तरीका नहीं करना। तो सिंपली आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना है, और आपका कंटेंट अच्छा रहा तो वायरल जाएगा, और नहीं अच्छा रहा तब पर भी आपके स्टार्टिंग में 200-400-500 व्यू आने लगेंगे अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हो गए तो। तो ये आपको केवल स्टार्टिंग में करना है, ये ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने बताया एक एक स्टेप कीजिएगा, आपके भी स्टार्टिंग में जो भी वीडियो आप डालेंगे उस पर व्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूं। तो आई होप आपका वीडियो, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको नेक्स्ट टॉपिक जिस पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।